Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Friends, आज की इस वीडियो में आपके लिए बात करने जा रही हूँ पिंपल्स को लेके, जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाती है, पिंपल्स आ जाते हैं, गंदे पानी वाले जो है पिंपल्स निकल आते हैं, उनके लिए स्पेशल वीडियो है. करना कुछ भी नहीं है, ये दो चीज़ें आपने यूज़ करनी है. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है. सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन बनी है उस पर भी हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियोज़ अपलोड करो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. तो फ्रेंड्स, बात कर ली जाए मेरे हाथ में कौन सी क्रीम है. ये है डर्मोवेट एम क्रीम है, ये रेड कलर की है. इसमें और ज़्यादा कलर्स भी अवेलेबल हैं, तो मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो रेड है. आपने रेड ही यूज़ करनी है. तो 20 ग्राम की मेरे पास ये अब है. इसकी जो प्राइस है, इसका फुल रिव्यू भी मैंने शेयर किया होगा, आप जाके चेक कर लें. तो इसकी प्राइस है 91 रुपीज़, इसकी प्राइस है, यहाँ पे मेंशन है. एक्सपायरी डेट चेक करके लीजिएगा. तो फ्रेंड्स, बहुत सी लड़कियों को पिंपल्स का इशू है. अगर उनके पिंपल्स हार्मोनल इश्यूज चल रहा है उनका, तो वो जाके अच्छे से किसी डॉक्टर को चेक करवाएं, उसकी मेडिसिन प्रॉपर लें. ऐसे कोई भी क्रीम यूज़ ना करें, क्योंकि एज के हिसाब से भी दाने निकलते होते हैं. अगर इस तरह से निकल रहे हैं तो आप इसको जाकर प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएँ, ठीक हो गया. अगर इसके दाने निकल रहे हैं, कोई चीज़ मतलब कि मेकअप से एलर्जी हो गई है, वैसे डस्ट से एलर्जी हो गई है, बहुत सी तरह से दाने निकल आते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है. करना क्या है, आपने एक ये क्रीम ले लेनी है, दूसरी आपने ले लेनी है फेयर एंड लवली क्रीम. ज़रूरी नहीं है आप फेयर एंड लवली ही क्रीम ऐड करें, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं. अगर आपके फेस पे अगर ज़्यादा ऑयली नहीं है, लेकिन बात तो ये है कि अगर हमारे फेस पे ज़्यादा ऑयल आ जाता है तो इस वजह से हमारे फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं. तो वही चीज़ यूज़ करें जो ऑयल फ्री हो. फेयर एंड लवली क्रीम, तिब्बत क्रीम यूज़ कर सकते हैं, जो भी क्रीम आपके फेस पे जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, डेली बेसिस पे आप लगा रहे हैं उस क्रीम को, आपने वो ऐड करनी है. तो तकरीबन जहाँ तक मुझे लगता है कि हर घर में फेयर एंड लवली होगी और इसको यूज़ भी करते होंगे, ठीक है. अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है, अगर आप विंटर्स में यूज़ कर रहे हैं, तो आप कोई सा लोशन भी ऐड कर सकते हैं. मेरे हाथ में जो है वो इनहेंसर का लोशन है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पॉन्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, केयर का यूज़ कर सकते हैं, निविया का, जो भी अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं. तो इसके अलावा अगर आप डे में यूज़ कर रहे हैं तो आप सनब्लॉक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसको नाइट में यूज़ करें और ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ ना करें, मतलब ज़्यादा डेज़ के लिए यूज़ ना करें, कुछ ही दिनों में इसको इसका इस्तेमाल करें, फिर इसको छोड़ दें, ठीक है. और फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये बिल्कुल फ्री है. तो कितना मैं तेज़ बोल रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, लेकिन मुझे डिटेल से बताना होता है आपको. तो देखें, ये जो है मेरे हाथ में क्रीम है, डर्मोवेट है एन क्रीम. तकरीबन इसका सबको ही पता है. आपने इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है. आपने इसको यूज़ ऐसे करना है कि आपने ले लेनी है फेयर एंड लवली क्रीम, ठीक है. मैं आपको दिखाती हूँ, इस क्वांटिटी में लेनी है आपने फेयर एंड लवली क्रीम, और उसके बाद आपने ले लेनी है इससे हाफ से भी हाफ, मतलब कि इसका तीसरा हिस्सा आप लेंगे डर्मोवेट का. आपने इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना, आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा. देखिए, मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको. इसका जितनी फेयर एंड लवली ले रहे हैं उसका तीसरा हिस्सा आपने इसको फ्रेश बनाना है. अगर आप बना के रखना चाह रहे हैं तो 2 से 3 दिन से ज़्यादा आप इसको नहीं रखिएगा. तो अच्छे से इसको मिक्स कर लें, ये देखें. और फ्रेंड्स, अगर आपके फेस पे एक्नी मार्क है, एक्नी मार्क को भी ये रिमूव करता है बहुत ज़्यादा. अगर आपके फेस पे मोटे वाला जो पिंपल्स है उस पर आपने इसको मटर के दाने जितना लगाना है, जहाँ पे पिंपल्स है वहाँ पे लगाना है. देखें, सपोज़ मेरे यहाँ पे पिंपल है, मैं इस जगह पे लगा के इसको छोड़ दूँगी, ठीक है. अगर हमारे फेस पे एक्नी मार्क्स है, मतलब कि हमारे फेस पे जो एक्नी है उनके निशानात है, बहुत ज़्यादा दाग वो छोड़ चुका है, तो उस पर अच्छे से इस तरह अप्लाई कर दें. उसी एरिया पर आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है. अप्लाई करके छोड़ दें तो इससे ये होगा कि आपका जो कलर है वो डल नहीं होगा और जो पिंपल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे. तो फ्रेंड्स, आपने अगर आपके जो दानों के निशान हैं आपने उसी जगह पे इसको लगाना है, इस तरह करके इसको छोड़ दें. अगर मोटे वाला पिंपल है तो इस तरह मटर के दाने जितना आपने उसी जगह पे लगाना है, आप पूरे फेस पे नहीं लगाएंगे. तो अफेक्टेड एरिया है उसी पे लगा कर छोड़ दें, सुबह उठ के फेस को वॉश कर लें. फिर से बताती चलूँ, आपने फेयर एंड लवली, ज़रूरी नहीं है कि आप फेयर एंड लवली क्रीम ही यूज़ करें, आप कोई सी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है, जो आपके फेस पर सूट करती है, ठीक है. कुछ ही दिनों में आपके जो पिंपल्स हैं वो चले जाएंगे, उनके निशानात भी चले जाएंगे. और अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा. तो फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में. तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.